नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जिस भी बैंक के ग्राहक हैं आपको एटीएम तो जरूर मिला होगा, और अगर एटीएम आपका एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं। आपको परेशान नहीं होना, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका सॉल्यूशन जरूर इस वीडियो में मिलेगा कि एटीएम कार्ड एक्सपायर होता है तो उससे पैसा निकलता है कि नहीं, नया एटीएम कार्ड बैंक आपको कब भेजती है, कैसे आपको नया अप्लाई करना है, कैसे आपके घर पे आएगा। साथ साथ अगर एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो आपका फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, जितना भी यूपीआई वो आपका चलेगा कि नहीं, या कितने दिन तक चलेगा। साथ साथ अगर एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो उस कार्ड को हमको लास्ट में करना क्या है, इन सब बात को हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि आपका एटीएम आपको जो मिला होगा उस पर एक डेट लिखा होगा एक्सपायरी का, तो इस वीडियो में अभी हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कैसे नया कार्ड आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास आता रहे और घर बैठे बैंकिंग जानकारी लेते रहे। तो बात करते हैं अभी हमारा आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा, सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपायरी कैसे होता है और कैसे पहचाने कि एक्सपायर कब होता है। जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है उसको निकाल के देखिए और वहां पे नंबर लिखा होगा एटीएम कार्ड का, एटीएम कार्ड के नंबर के नीचे लिखा होगा वैलिड थ्रू या वैलिड थ्रू या वैलिड अप टू लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझ बताता हूं, जैसे अभी मई चल रहा है तो मई 24 है तो लिखा हुआ 0.24, मतलब मई 24 में आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। तो अपना कार्ड निकाल के जरूर चेक कर लीजिए कि लास्ट का वाला जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, मई का 24वां महीना में कार्ड एक्सपायर होगा तो आपके नंबर पे, कार्ड पे जो नंबर लिखा होगा उसे आप आराम से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपका ये जो कार्ड है एक्सपायर होता है तो क्या होता है, कैसे आएगा। तो दोस्तों यह नियम है कि बैंक, अगर आप बैंक आपको आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर होने से एक महीना पहले आपके एड्रेस पे एटीएम भेज देती है, लेकिन किसी भी कस्टमर का नहीं आता है, किसी का नहीं मिल रहा है या अप्लाई ही नहीं होता है। पहली बात, एटीएम उन्हीं के घर पर अप्लाई होता है जिसका अकाउंट पूरी तरह से अपडेटेड है, जैसे आपका सीकेवाईसी है, अपडेट है, डोरमेंट नहीं है, आपका खाता चालू है, अच्छा लेन देन कर रहे हैं, और अगर आपके खाता में पैन कार्ड लगा होगा तो बैंक आपको जरूर एक महीना पहले आपके कार्ड के एक्सपायर होने से पहले भेजती है। अगर बात करते हैं एटीएम कार्ड आपको नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो एक महीना पहले अपने कस्टमर केयर से, जो कि एटीएम कार्ड पे नंबर लिखा होगा आपके बैंक के ग्राहक का, जो कस्टमर केयर बोलते हैं उनका, आप उसमें कॉल करके नया कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरा जो कार्ड है वहां से भेजा गया है कि नहीं, या भेजा गया तो वो कहाँ है। तो वो जो ग्राहक जो केयर है, कस्टमर केयर वाले, वो आपको बता देंगे आपका कार्ड अप्लाई हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, अगर हुआ तो वो कहाँ वो भी बता देंगे। कार्ड जैसे एक्सपायर वहां से भेजा जाता है, पहले आपके एड्रेस पे आता है, अगर एड्रेस पे नहीं पहुंचा तो बैंकों में जो भी आपका नियरेस्ट शाखा है वहां पर जाके पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट में एड्रेस वगैरह अपडेट है कि नहीं, या नया कार्ड आया है तो आपको वहां से मिल जाएगा। अब तीसरा बात हम लोग देखते हैं, जैसे कार्ड अगर आपका एक्सपायर होता है तो उससे हम लोग ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे रेलवे टिकट हो, एयर टिकट हो, ये सब बुकिंग वगैरह ऑनलाइन पेमेंट है तो वो नहीं होगा आपका। सिर्फ होता है कि जो आपका यूपीआई चल रहा होता है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, इसमें क्या होता है, जो आपका अगर पहले से चालू है तो वो कुछ दिनों तक, 3 महीना 6 महीना तक आपका ये चलेगा, फिर अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते तो वो बंद कर देता है, या उसमें अगर पुराना होता है तो बैंक उसको बंद भी कर सकती है, या पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एरर आता है जिसे पता चल रहा है, वहां पे ये पता नहीं चलता है कि आपका कार्ड एक्सपायर, वो तो कभी टेक्निकल एरर दे देगा, कॉन्टेक्ट फ्रॉम योर बैंक, ये सब तरह का एरर आता है यूपीआई ट्रांजेक्शन पे, जिसे आपको पता करना है मेरा कार्ड एक्सपायर हुआ है नहीं, आप देख के पता कर लीजिएगा। तीसरा, जैसे कार्ड एक्सपायर होता है ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या, देखिए कोई भी चीज का सर एक्सपायरी डेट होता है, जैसे एटीएम कार्ड आपको मिला हुआ वो 5 साल है, जैसे कार्ड आप कहीं वॉलेट में रखते हैं, कहीं पे स्वैप करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो नंबर लिखा होता है या पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है वो घिस जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो नंबर नहीं दिखता तो कार्ड मुड़ जाता है, तो कार्ड सब खराब हो जाता है। इसीलिए कोई भी जो बैंक है 5 सालों में उसका एक्सपायरी डेट रखा है, 5 सालों में फिर आपको नया एटीएम इश्यू करके देती है, नया एटीएम आपको मिलता है। अगर एटीएम कार्ड आपका एक्सपायर हो रहा है तो उसको इधर उधर नहीं फेंके, उसको तोड़ के आराम से रख दीजिए, इधर उधर नहीं आपको फेंकना है, वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है। और जो नया एटीएम कार्ड
अप्लाई कीजिए, आपके घर पे जरूर आएगा। इससे रिलेटेड अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। अप्लाई आप बैंक का जो ऐप होता है मोबाइल बैंकिंग, आप उससे भी कर सकते हैं, कस्टमर केयर से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तीन माध्यम से आप आराम से एटीएम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि एटीएम एक जरूरी चीज है